साथियों, बिहार के विकास के व्यापक रोडमैप का अगला चरण है आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर मिथिलांचल। यहां मिथिला पेंटिंग, कृषि, डेयरी उद्योग, मछली के उत्पादन और कारोबार से जुड़ी अनेक संभावनाएं हैं। मिथिलांचल के लिए तो कहा ही जाता है कि पग पग पोखर माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुख पान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, विद्य प्रतीक ई मिथिला थी। ऐसे में पान माछ मखाना, इन सब में आत्मनिर्भर भारत को ताकत देने की बहुत बड़ी संभावना इस क्षेत्र में है। समस्तीपुर तो एक प्रकार से देश में कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़ी रिसर्च का हब बन चुका है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो सपने देखे थे वो अब पूरे होते दिख रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। मत्स्य संपदा योजना के तहत इस क्षेत्र के अनेक जिलों में मछली के उत्पादन से लेकर चारे तक के अनेक प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। जब करोड़ों का निवेश यहां होगा, युवा उद्यमियों को आर्थिक मदद मिलेगी, तो बड़ी मात्रा में नए रोजगार तैयार होंगे। साथियों, फसल हो, दूध हो, सब्जी हो, मछली हो, कोशिश ये है कि बिहार के अलग अलग जिलों में जो बेहतरीन उत्पाद पीढ़ियों से उपजते हैं या तैयार होते हैं, उनसे जुड़े उद्योग लगाए जाएं। इसके लिए जरूरी सुविधाएं गांवों में तैयार की जा रही है। गांवों में भंडारण और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया गया है। गांव में इन सुविधाओं के लिए निवेश बढ़े, इसके लिए जरूरी कानूनी सुधार किए गए हैं। छोटे किसानों को बिचौलियों से, उनकी चंगुल से बाहर निकालकर कृषि उत्पादक संघों FPOs से संगठित किया जा रहा है। ऐसे ही FPOs और दीदियों के समूह भंडारण की सुविधाओं से लेकर कृषि उद्योगों तक को चलाने वाले हैं। बिहार के युवा उद्यमियों, स्टार्टअप्स के लिए भी अनेक अवसर नए कृषि सुधारों से बनाए जा रहे हैं।